आदाब दीदी, आप इस बार किस किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करा रही हैं? आदाब रोहन, इस बार मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट की मालूमात वगैरह उनके ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए से बताने जा रही हूँ। ये दिलचस्प लग रहा है दीदी। बराए मेहरबानी मुझे बताइए कि मैं इन सर्विसेज को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल रोहन, चलो मुख्तलिफ किस्म के ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज से शुरुआत करते हैं, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का जारी होना शामिल है। आदाब गीता, मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये आप मुझे तफसील से बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट फैसिलिटी भारत सरकार भारतीय आईन के मुताबिक खुसूसी जात या बरादरी भारतीय शहरियों को खुसूसी स्कीमों और रिजर्वेशन जैसे फायदे के लिए दस्तियाब कराती है। कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको मंदरजा जेल तरीकाकार को अपनाना होगा। सबसे पहले ई एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, फिर बिना कोई गलती किए सारी जरूरी डिस्क्रिप्शंस भरें। उसके बाद अपने किसी भी करीबी नोटरी के पास जाकर इसको नोटराइज्ड करवाएं। अप्लाई करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्या मुझे अप्लाई करने के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत है? हाँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। कोई भी एक शिनाख्ती कार्ड जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, आरएसबीवाई कार्ड, आधार कार्ड, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से जारी किया गया शिनाख्ती कार्ड, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल 7/12 और 8A की कॉपी या किराए की रसीद, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट, अपने किसी रिश्तेदार का कास्ट प्रूफ, आपके या आपके वालिद का प्राइमरी स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, दरख्वास्त गुजार उनके वालिद या रिश्तेदारों में से किसी की पैदाइश का इंदराज, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड बुक जिसमें दरख्वास्त गुजार के वालिद या रिश्तेदार की जात या बरादरी के जुमरे का जिक्र किया गया हो, सोशल जस्टिस के जरिए जारी किया गया कोई दस्तावेज जिसमें आपकी जात का जिक्र हो, जांच कमेटी के जरिए जारी किया गया आपके वालिद या किसी रिश्तेदार का वैलिडिटी सर्टिफिकेट, रेवेन्यू रिकॉर्ड और गांव पंचायत रिकॉर्ड की एक कॉपी, कास्ट की नोटिफिकेशन की तारीख से पहले का रेजिडेंस प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या हमें कोई एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर क्या है? रेजिडेंस सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन का तरीका वैसा ही है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराने का है। इस मामले में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए जरूरी होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से कोई भी एक शिनाख्ती प्रूफ। याद रहे कि दरख्वास्त गुजार का नाम एप्लीकेशन और आधार कार्ड दोनों में एक ही होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा पर सेल्फ डिक्लेरेशन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बड़े की सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है।
एप्लीकेशन जमा कराने या उसके वेरिफिकेशन के वक्त दरख्वास्त गुजार की तस्वीर वेब कैमरा से ली जाएगी। एप्लीकेंट की तस्वीर आधार कार्ड की तस्वीर से मिलनी चाहिए। आपके मौजूदा रेजिडेंशियल प्रूफ में से कोई भी एक, जैसा पहले बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। 3 साल से लगातार दिल्ली में रहने का प्रूफ, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली का बिल, घर का टैक्स, पानी का बिल वगैरह। याद रहे, ये जान लेना जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक गजेटेड ऑफिसर के जरिए ही की गई हो। आपको उनके आई कार्ड की कॉपी और उनका फोन नंबर भी साथ लगाना होगा। क्या इस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फी की जरूरत होगी? नहीं, ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। आखिरकार इस सर्टिफिकेट के इश्यू होने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट 14 दिनों के अंदर इश्यू हो जाता है। ओह, ये तो अच्छी बात है। क्या इसके अलावा कोई ऐसे अहम सर्टिफिकेट हैं जिनकी मालूमात हमें होनी चाहिए? हाँ, है ना, हमें इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे मुख्तलिफ जराए से कुंबे की होने वाली आमदनी का पता चल सके। इसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जैसा ही है, जिसका अभी हमने जिक्र किया है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस सर्विस के पैसे लगते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की फीस कितनी होगी? सिर्फ 30 रुपए। वाह, ये तो सस्ता है। और इनकम सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल जाता है? ज्यादा नहीं, दी गई एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। मैं वोटर आईडी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ? वोटर बनने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म 6 भरने की जरूरत है। एक मर्तबा अगरचे इस फॉर्म को मंजूर कर लिया जाता है, तो आपके नाम को वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा। क्या हम वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बस तुम्हें कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, अब नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक करें। स्टेप 4, डिटेल्स भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। स्टेप 5, फिर अंत में सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करके आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक पर्सनल वोटर्स आईडी लिंक आएगा। उस लिंक से आप अपने वोटर आईडी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। अप्लाई करने के कितने दिनों के बाद मुझे मेरा वोटर आईडी मिल जाएगा? आप अपना वोटर आईडी कार्ड दरख्वास्त देने की तारीख के ठीक 1 माह बाद हासिल कर सकेंगे। वोटर आईडी की दरख्वास्त के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज्ड फोटोग्राफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी। अभी तक हमने सरकारी वेबसाइट से जरूरी जानकारी निकालने के बारे में सीखा। आइए अब एक मजेदार एक्टिविटी में हिस्सा लें। मैंने डिजिटल लॉकर के बारे में सुना है, क्या आप हमें उसके फवायद बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। डिजिटल लॉकर सरकार की जानिब से जारी किए गए दस्तावेजात से मुतालिक महफूज रसाई को मुमकिन बनाता है। यह आधार के जरिए मुहैया कराई गई मुस्तनद खदमात के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये जाती तौर पर कागजी कार्रवाई से आपको छुटकारा देता है और आप तमाम सरकारी एजेंसियों में वेरिफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये तमाम शहरियों को एक नहायत ही मौसर जाती ई स्टोरेज फराहम करता है, जो कि उनके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। डिजिटल लॉकर सरकारी शोबों में इंतजामी अमूर के बोझ को कम करता है और एजेंसियों ने इसकी तखलीक इसी गरज से की है।
ये वक्त की बचत और बेवजह कोशिशों से आपको महफूज रखता है और कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर में साइन अप करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आपको आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड से मरबूत मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। हम डिजिटल लॉकर कैसे बना सकते हैं? साइन अप के लिए डिजिटल लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। साइन अप बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अपने मोबाइल पर हासिल किए हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें और साइन अप बटन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डैशबोर्ड को देखें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को ई साइन भी कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स पर ऑफिशियल डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंकिंग भी एक जरूरी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। ये सर्विस कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराती है, जिससे लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। आजकल बैंक की सर्विसेज एडवांस होती जा रही हैं, जो कि कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और उनकी मदद भी करती हैं। आपको बस एक आसान तरीके को अपनाना होगा। स्टेप वन, पहले आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट। स्टेप टू, फिर अपनी पसंद के किसी भी बैंक में जाकर बैंक अफसर से मिलें। स्टेप थ्री, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ओपनिंग फॉर्म भरें। स्टेप फोर, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए रेफरेंसेस दें। स्टेप फाइव, फिर उस फॉर्म को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करा दें। स्टेप सिक्स, आपके बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म बैंक अफसर के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। स्टेप सेवन, आखिर में आपको अपने नए खुले अकाउंट में इनिशियल अमाउंट जमा कराना होगा। स्टेप एट, आखिर में आप अपनी पासबुक, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स ले सकते हैं। क्या आप तफसील से बता सकती हैं कि हम इंटरनेट बैंकिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है। अब SBI की ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग शुरू कराने के लिए पहले आपको SBI की ब्रांच में जाना होगा और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर कराना होगा। फिर आपको पोस्ट के जरिए ऑनलाइन SBI को पहली बार लॉगिन करने की डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एक नया यूजर आईडी, नया लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। फिर आप ऑनलाइन SBI इंटरनेट बैंकिंग की एक वेबसाइट पर जाएं, जो है www.onlinesbi.com और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर कुछ मैसेजेस के साथ एक नया पेज खुलेगा। आप इन मैसेजेस को गौर से पढ़ लें और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको SBI के जरिए दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपनी पसंद का यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा बनाएं और उसे सेव कर दें। साथ ही आपको अपनी पसंद की प्रोफाइल पासवर्ड बनाने या दर्ज कराने की जरूरत है। इस तरह आपकी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के बारे में भी सुना होगा, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक नेशनल मिशन है। जन धन योजना की क्या जरूरत है? जन धन योजना ये यकीन दहानी कराती है कि हमें कम कीमत में
फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विस, सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, भेजी गई रकम, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन मिले। किस बैंक से हमें ये सहूलत मिल सकती है? इसके लिए हम किसी भी बैंक की ब्रांच या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र आउटलेट पर जाकर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर चेक बुक लेना चाहता है तो उसको मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आपको बस आधार नंबर की जरूरत होगी। अगर आपका घर का पता बदल गया हो तो मौजूदा पते का एक सेल्फ सर्टिफिकेशन भी काफी रहेगा। अगर आधार कार्ड ना हो तो कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। अगर इन दस्तावेजात पर भी आपका पता है तो ये पहचान और पता दोनों के सबूत का काम कर देगा। क्या इन डॉक्यूमेंट्स की जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जा सकते हैं? अगर किसी के पास इनमें से कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो बैंक के जरिए लो रिस्क के जुमरे में है तो वो बताए जा रहे मंदरजा जेल डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा करके बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटीज के जरिए जारी किया गया एप्लीकेंट की फोटो वाला शिनाख्ती कार्ड, गेजेटेड ऑफिसर के जरिए इशू किया गया एक लेटर जिस पर उस शख्स की तस्वीर की भी तस्दीक की गई हो। क्या आप हमें PMJDY की स्कीमों के फवायद बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इस स्कीम के जरिए जमा की गई रकम पर सूद मिलता है, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है और किसी तरह के मिनिमम बैलेंस की भी जरूरत नहीं होती। ये 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी मुहैया कराती है जो कि इस्तीफादा करने वाले की मौत के बाद जरूरी कार्रवाई के बाद मिल जाता है। भारत में कहीं भी आसान तरीकों से रुपए भेजे जा सकते हैं। किसी घर के सिर्फ एक अकाउंट में ही 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सहूलत मुहैया की जाती है। ये सहूलत खास तौर से घर की खातून मेंबर को ही मिलती है। इन सरकारी स्कीमों का फायदा हासिल करने वालों को इन अकाउंट्स में रास्त मुंतकली के जरिए फायदा मिल सकेगा। 6 महीने तक अकाउंट को तसल्ली बख्श ऑपरेट करने के बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की इजाजत दे दी जाएगी। पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तक पहुंच। PMJDY के तहत पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के दावे को तभी माना जाएगा अगर रुपए कार्ड होल्डर ने किसी भी बैंक ब्रांच, बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉम वगैरह में कम से कम एक कामयाब फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लेन देन किया हो। इसी तरह लोगों को इंश्योरेंस की सहूलत से भी बाखबर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक तरह का मुआहदा है जिसमें प्रीमियम पेमेंट के बदले इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराने वाले की मौत पर यकमुश्त रकम अदा करती है जिसे डेथ बेनिफिट कहते हैं। क्या ये सर्विस ऑनलाइन भी दस्तियाब है? हाँ, इसके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जा सकती है। क्या आप मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के बारे में तफसील से बता सकती है? हाँ बिल्कुल, LIC की ई टर्म को हासिल करने के लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं, जो है www.licindia.in। स्टेप 2, बाय ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ई टर्म पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी मर्जी से रकम और पॉलिसी टर्म का इंतखाब करें। याद रहे, पॉलिसी टर्म वो मुद्दत है जिसके लिए आप कवर चाहते हैं।
पॉलिसी होल्डर की अचानक हुई मौत के बाद इंश्योरेंस की रकम उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। फिर इस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स फराहम कराएं, जैसे कि नाम, उम्र, जेंडर या जिंस, क्वालिफिकेशन वगैरह। उसके बाद एक प्रीमियम कैलकुलेटर चुने हुए पैरामीटर के लिए प्रीमियम को कैलकुलेट करेगा। इंश्योरेंस की किस्तें उम्र, जेंडर, टर्म्स, इश्योर्ड सम, सेहत और तंबाकू के इस्तेमाल पर मुनहसिर करती है। 50 लाख से ज्यादा के प्रीमियम रेट्स पर तंबाकू ना खाने वालों के लिए इंश्योरेंस के प्रीमियम की अदायगी कम होती है। फिर एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में से कोई भी एक प्रीमियम पेमेंट मोड का इंतखाब करें। www.licindia.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और ऑनलाइन ही प्रीमियम की अदायगी करें। स्टेप 8, ऑनलाइन पेमेंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक रसीद को अपने पास ही रखें। क्या हुकूमत ने कोई और इंश्योरेंस स्कीम भी फराहम कराई है? हाँ, हुकूमत ने अटल पेंशन योजना फराहम कराई है, जिसके तहत कमजोर तबके के लोग अपने बुढ़ापे के लिए एक रकम जमा करके रख सकते हैं और यकीनी तौर पर माहाना रकम हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कस्टमर या सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद उनकी जमा कराई गई रकम और मुद्दत के मुताबिक तय पेंशन हासिल होगी। मैं अटल पेंशन योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? आप इस स्कीम के लिए बैंक वेबसाइट्स और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन एक सब्सक्राइबर फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, पहले किसी भी वेबसाइट से अटल पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करें या फिर इसे बैंक से ले लें। स्टेप 2, फॉर्म भरें और इस बात का ख्याल रखें कि दी जा रही इन्फॉर्मेशन सच और सही हो। स्टेप 3, फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी जरूर लगाएं। स्टेप 4, फिर जो पेंशन आपको 60 साल की उम्र के बाद चाहिए उसका इंतखाब करें। इसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हर साल आपको कितनी प्रीमियम देनी होगी। स्टेप 5, फिर अपना सेविंग अकाउंट नंबर दर्ज करें। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसे उसी ब्रांच में नॉर्मल कंडीशन के साथ या जन धन योजना के तहत खोल सकते हैं। स्टेप 6, मुंतखब पेंशन की रकम के मुताबिक हर महीने आपके सेविंग अकाउंट से खुद ब खुद प्रीमियम काट लिया जाएगा। इसकी रजामंदी आपको इस स्कीम के लिए भरे गए फॉर्म में देनी होगी। स्टेप 7, ये सब भरने के बाद आप एक बार अपने बैंक अफसर से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें फॉर्म के साथ किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत है या नहीं। आपको सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में मदद करेंगे। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले शख्स की एज लिमिट क्या है? 18 से 60 साल। हुकूमत हाई रिस्क कैटेगरी जैसे मैकेनिक, मजदूर, ज्यादा सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स को प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना यानी PMJJY के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस मुहैया कराती है। मैं इस स्कीम के लिए कैसे एनरोल कर सकता हूँ? आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन इंदराज करा सकते हैं। पहले अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें। कामयाबी के साथ लॉगिन करने के बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिंक पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको स्कीम और अपना अकाउंट नंबर चुनना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद CIF नंबर का इंतखाब करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको बुनियादी जानकारी और नॉमिनी की जानकारी मुहैया करानी होगी।
कुछ मालूमात जैसे कि नाम पता वगैरह पहले से दर्ज किए होंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद एंटर पर क्लिक करें। इसके बाद आप कामयाब रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज देखेंगे और एक रेफरेंस नंबर भी आपको दिया जाएगा। स्टेटस टैब की मदद से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेटस को भी देख सकते हैं। क्या आप हमें इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए एज लिमिट के बारे में बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इस स्कीम के लिए एज लिमिट 18 से 70 साल की है। क्या हुकूमत सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम मुहैया करवाती है? हाँ बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 यानी VPBY को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम सालाना 8% के रिटर्न की गारंटी पर 10 सालों के लिए पेंशन मुहैया कराएगी। बराए मेहरबानी हमें इस स्कीम के बारे में कुछ और बताएं। ये स्कीम 10 साल तक पेंशन मिलने की यकीन दहानी कराती है। इस स्कीम का मकसद 60 साल की उम्र के लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी फराहम कराना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत कम से कम पेंशन ₹500 और ज्यादा से ज्यादा पेंशन ₹5,000 फी महीना दी जाएगी। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में लॉक इन पीरियड 15 साल है। सब्सक्राइबर के पास पेंशन लेने के मुख्तलिफ इख्तियारात होंगे, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। पेंशन ECS या NEFT के जरिए सीधे पेंशन लेने वाले के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा। LIC से मिलने वाले आम पेंशन पर टैक्स लगेगा, लेकिन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत दिए गए प्रीमियम्स दफा 80C के तहत टैक्स से मुस्तस्ना हैं। पॉलिसी होल्डर 3 साल पूरे होने के बाद लोन ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने की कीमत परचेस प्राइस का 75% ही मुमकिन हो पाएगी। पेंशन हासिल करने वाले की वफात के बाद नॉमिनी को इन्वेस्टेड अमाउंट वापस मिल जाता है। अब जब आप एक्सेसिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो इस एक्टिविटी में हिस्सा लें। क्या हुकूमत के जरिए फराहम कराई गई कोई ऐसी सर्विस है जो मुझे अपनी लैंड डिटेल्स के बारे में मालूमात मुहैया कराती हो? हाँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन दस्तियाब कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत के रियल एस्टेट शोबे में मजीद शफाफियत लाने की गरज से कई रियासतों ने पहले से ही अपने लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड कर लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस सर्विस का फायदा मैं किस तरह उठा सकता हूँ? बस आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले अपनी रियासत के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जमीन उत्तर प्रदेश में है तो आपको www.bhulekh.up.nic.in पर जाना होगा। स्टेप 2, फिर आप वो जिला चुनें जिसमें आपकी जमीन मौजूद है। मान लीजिए आपने फहरिस्त में से गौतम बुद्ध नगर का इंतखाब किया है। स्टेप 3, इसके बाद उस तहसील या रेवेन्यू सर्किल का इंतखाब करें जिसके दायरा कार में वो जमीन आती है। तहसील की फहरिस्त में गौतम बुद्ध नगर का इंतखाब करें और उसके बाद अपने इलाके या गांव का इंतखाब करें। मान लीजिए आपकी जमीन अट्टा गुजरा में है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिए गए लैंड नंबर फराहम करा के लैंड डिटेल्स अब हासिल की जा सकती हैं और ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे केस में ये नंबर 67 है। फिर 67 दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। अगर आपके वाले लैंड नंबर के और भी दावेदार हैं तो आपको खसरा खाता जैसी कुछ और मालूमात भी देनी पड़ सकती है। इसके बाद वो साइट आपकी डिटेल्स को सर्च करेगी। आखिर में नीले बॉक्स पर क्लिक करें जिसके बाद आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ,
तो क्या आप मुझे हुकूमत के जरिए दी जा रही किसी ऐसी सर्विस के बारे में बता सकती है जो स्कॉलरशिप्स दिलवाने के लिए काम करती हो? हाँ बिल्कुल, नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल यानी कि NSP के जरिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम कराई जाती हैं। ये सर्विसेज हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की रसीद, स्कॉलरशिप की कार्रवाई और इसकी मंजूरी, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स तकसीम करना। नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत कौमी मिशन प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है। फिलहाल NCP के तहत 9 शुरका वजारतें या महकमे और 21 रजिस्टर्ड स्कीमें हैं। इस पहल का मकसद है आसान शुदा, मिशन पर मबनी, काबिले बासपुर्स, जवाबदेह और शफाफ स्मार्ट निजाम। तो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि स्कॉलरशिप्स दरख्वास्तों की फौरी और मौसर कार्रवाई हो और इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में रकम का हुसूल बगैर किसी रुकावटों के हो। इस पोर्टल का इस्तेमाल करके मैं स्कॉलरशिप्स के लिए किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ? ये बहुत आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो है http://scholarships.gov.in/newstudentregform. और फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए। इस पर दी गई हिदायत के मुताबिक एप्लीकेशन को भरें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद आपको एक टेम्पररी ID मिलेगी। फिर आगे की मालूमात फराहम करने के लिए टेम्पररी ID और डेट ऑफ बर्थ भरें। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन ID बन जाती है, जिसे एप्लीकेशन के स्टेटस और रिन्यूअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं फॉर्म सबमिट करने के बाद भी अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकता हूँ? नहीं, जब तक स्कॉलरशिप दरख्वास्त का अमल पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अपनी डिटेल्स में तब्दीली नहीं कर सकते। मैं मुस्तकबिल में अपनी स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कैसे कर सकता हूँ? जिस अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपने गुज़िश्ता साल रजिस्ट्रेशन कराया था उसकी जरूरत आपको स्कॉलरशिप के रिन्यूअल के लिए होगी। आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID पर क्लिक करके भी अपनी ID दोबारा बना सकते हैं। इसी तरह ई हॉस्पिटल भी हुकूमत के जरिए फराहम की गई सबसे अहम सर्विस में से एक है। ये ICT पर मबनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो खास तौर से सरकारी शोबे के अस्पतालों के लिए है। क्या आप कुछ ऐसे अस्पतालों के नाम बता सकती हैं जो इस सिस्टम के तहत सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं? पोर्टल पर अस्पतालों की फहरिस्त दी हुई है जहां से मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी ORS बनाया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां हर वो शहरी जिसके पास आधार हो भारत के मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अस्पतालों में अपॉइंटमेंट के लिए एनरोल करा सकते हैं। ई हॉस्पिटल के जरिए और कौन कौन सी सर्विसेज फराहम कराई जाती हैं? इस सर्विस के जरिए किसी भी अस्पताल में OPD अपॉइंटमेंट लेना, लैब रिपोर्ट्स और खून की दस्तियाबी की मालूमात ऑनलाइन हो गई है और साथ ही ये आसान भी है। क्या मैं इसके जरिए अपनी बीवी के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। स्टेप 1, सबसे पहले http://ors.gov.in/copp/appointment.jsp पोर्टल पर जाएं। फिर मरीज का आधार नंबर दर्ज करें। अगर मरीज का मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर होता है तो UIDAI से SMS के जरिए
वन टाइम पिन यानी OTP भेजा जाएगा। OPD अपॉइंटमेंट के लिए आधार होल्डर को UIDAI में अपने KYC को अस्पताल के साथ शेयर करने के लिए रजामंदी देनी होगी। अगर उसका मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आधार पर दिया गया मरीज का नाम ही दिया जाना चाहिए और UIDAI के साथ डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करने के बाद मरीज का मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स जैसे कि घर का पता, उम्र वगैरह देने के लिए कहा जाएगा। अगर यूजर के पास आधार नंबर नहीं है तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे दर्ज कर सकता है? ऐसी सूरत में यूजर को मरीज की आइडेंटिटी देने के बाद अस्पताल से OPD कार्ड लेना होगा। इसके बाद OPD अपॉइंटमेंट की डिटेल्स के साथ यूजर को SMS के जरिए तस्दीक की जाती है। आधार नंबर से खुद के वेरिफिकेशन के बाद सरकारी अस्पताल के उस डिपार्टमेंट का इंतखाब करें जिसमें मरीज को इलाज कराना है। फिर अपॉइंटमेंट की तारीख को सेलेक्ट करें और इसके बाद आपको SMS के जरिए कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। आखिर में ली गई डेट या वक्त पर अस्पताल जाएं। आधार सभी के लिए भारत सरकार की तरफ से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के जरिए जारी किया गया 12 हिंसों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैं आधार के लिए कैसे एनरोल कर सकता हूँ? आधार कार्ड में खुद को एनरोल करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले एनरोलमेंट का फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप एनरोलमेंट ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। ऑपरेटर लोकल सपोर्ट जैसे देही अफसरान, फील्ड इंस्पेक्टर, इंट्रोड्यूसर, गैर सरकारी तंजीमों यानी NGOs, सिविल सोसाइटी आउटरीच यानी CSOs वगैरह से मदद लेने में आपको गाइड कर सकता है। क्या हमें अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा? हाँ, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, रिहायशी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, तारीख पैदाइश डेट ऑफ बर्थ DOB और रिश्ते का सबूत प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप POR, इन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी वेरिफिकेशन के लिए ले जानी होगी। अगर आप इनमें से किसी की भी फोटोकॉपी नहीं लेकर गए हैं तो एनरोलमेंट सेंटर आपको इनकी फोटोकॉपी मुहैया कराएगा। इसके बाद वेरीफायर POI, POA, DOB, POR की तौसीक असल दस्तावेजात से करेगा। फिर वेरीफायर तौसीक किए गए दस्तावेजात की फोटोकॉपी पर दस्तखत और मोहर लगाएगा। इसके बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर एनरोलमेंट फॉर्म से एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में वेरीफाइड डेमोग्राफिक रेजिडेंट डेटा डालता है। अगर आपका डेटा रजिस्ट्रार्स आइडेंटिफाई के जरिए ठीक किया जा चुका है तब एनरोलमेंट ऑपरेटर रेजिडेंस डेमोग्राफिक जानकारी को जांच करके ठीक करता है और उसे मुकम्मल करता है। इसके बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर इस जमन में वेलफेयर सर्विसेज में सरगर्म तंजीमों से आपकी हासिल करदा मालूमात को शेयर करने के लिए पूछेगा। इसी के मुताबिक ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में मुनासिब इख्तियार को मुंतखब करेगा ताकि इस सिलसिले में आपका जवाब हाँ या ना में लिया जा सके। एनरोलमेंट ऑपरेटर को RGI यानी मर्दमशुमारी या सेंसस करने वाले अफसरान के बारे में ये मालूम करना चाहिए कि क्या वो आपके घर मर्दमशुमारी के लिए आए हैं और आपको NPR रसीद यानी TIN मिली है। फिर वो एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में NPR नंबर दाखिल करेगा। क्या 5 बरस से कम उम्र के बच्चे का इंदराज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगरचे बच्चे की उम्र 5 बरस से कम है तो ऐसी नौयत में बच्चे के वालिदैन या सरपरस्त में से एक का आधार या एनरोलमेंट नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। NPR नंबर दाखिल करने के बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर इस बात की जांच करता है कि आपकी आंखें या उंगलियों के निशानात गायब तो नहीं है
और एनरोलमेंट सेंटर सुपरवाइजर भी इसी तफसील को जांचता है। अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है, इन्हें बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस के तौर पर डेमोग्राफिक स्क्रीन पर भी दर्ज कर लिया जाएगा। ऑपरेटर मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन की तफसीलात को बिल्कुल सही तौर पर दाखिल करेगा। इसके बाद ऑपरेटर आपसे ये पूछेगा कि क्या आप अपने मौजूदा बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर आधार की बुनियाद पर नया अकाउंट खोलना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम में शरीक होने के ख्वाहा हैं, तो ऑपरेटर आपसे ये पूछेगा कि इन मौजूदा बैंकों में से किसी एक बैंक में आपका खाता मौजूद है या नहीं। अगर आपका इन कमर्शियल बैंकों में से किसी एक बैंक में अकाउंट मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जरूरत की बुनियाद पर अकाउंट की तफसीलात जैसे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर फराहम कराने होंगे। अगरचे आप नया अकाउंट खोलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में मस्कूरा तफसीलात को शामिल करेगा और मुस्तकबिल में आपके लिए खाता खोला जाएगा। फिर एनरोलमेंट ऑपरेटर वेब कैमरे के जरिए आपके चेहरे की तस्वीर लेगा। अगर आपके पास मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन है, तो इनकी कैमरे से फोटो ली जाएगी। इस तरह से एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स आइरिस की जानकारी लिखेगा और एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट की जानकारी भी लिखेगा। इसके बाद ऑपरेटर दाखिल किए गए डेटा की तफसीलात आपको दिखाएगा और कंप्यूटर का स्क्रीन भी आपके सामने रखेगा। जरूरत पड़ने पर सभी डिटेल्स भी आपको पढ़कर सुनाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम तर तफसीलात दुरुस्त हैं। अगर आप हासिल किए गए डेटा को दुरुस्त करने की दरख्वास्त करते हैं, तो एनरोलमेंट ऑपरेटर को एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में इसको दुरुस्त करना होगा। क्या इस तरह के बदलाव के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत है? हाँ, अगरचे बड़ी तब्दीलियां हैं जैसे कि आपका सरनेम, तो एनरोलमेंट ऑपरेटर आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे। आखिर में एनरोलमेंट ऑपरेटर तस्दीक की गरज से उसकी उंगलियों के निशानात मुहैया कराता है और साइन ऑफ करता है, जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दर्ज कर लिया जाता है। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत हो सकती है। अगर उंगलियों या आंखों के निशानात गैर मौजूद हैं और अगर बायोमेट्रिक क्वालिटी दुरुस्त नहीं है, तब फोर्स कैप्चर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये मुतारिफ पर मबनी एनरोलमेंट है, तो ऐसी सूरत में मुतारिफ अपनी उंगलियों के निशानात बतौर साइन ऑफ करने के लिए मुहैया कराएगा और इस बात की तस्दीक करेगा कि महफूज की गई मालूमात दुरुस्त है। अगर मुतारिफ खुद से एनरोलमेंट के वक्त मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में दिन के अख्तिताम पर मुतारिफ के जरिए एनरोलमेंट की तस्दीक की जाएगी। इसी तरह खानदान के सरबराह की बुनियाद पर होने वाले एनरोलमेंट में खानदान के सरबराह को अपनी उंगलियों के निशानात साइन ऑफ करने के लिए मुहैया कराने होंगे, जिससे इस बात की तौसीक हो सके कि दी गई मालूमात दुरुस्त है। आखिर में ऑपरेटर को आपकी तरफ से दरख्वास्त की गई जुबान को मुंतखब करना होगा, जिसमें लीगल या डिक्लेरेशन टेक्स्ट रसीद पर छपा होगा। उसके बाद ऑपरेटर एक्नॉलेजमेंट रसीद को प्रिंट करने के साथ रजामंदी फॉर्म को भी A4 साइज के कागज पर प्रिंट करेगा। ऑपरेटर को दरमियान कागज में रसीद फाड़कर आपको देनी होगी। ऑपरेटर रसीद पर दस्तखत करेगा और आपको देगा। उसके बाद आप रजामंदी फॉर्म को दस्तखत करने के बाद वापस ऑपरेटर को देंगे। अगरचे बच्चे की उम्र 5 बरस से कम है, तो उसके वालिद, वालदा या सरपरस्त, जिनकी एनरोलमेंट आईडी सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई थी, रजामंदी फॉर्म पर दस्तखत करेंगे। रजामंदी फॉर्म POA, POI और DOB के सबूतों के साथ रजिस्ट्रार की जानिब से मुकर्रर करदा हस्ब कार्रवाई फिर महफूज कर लिया जाता है। ये अच्छा है, लेकिन क्या आधार कार्ड मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर कोई तब्दीलियां अमल में लाई जा सकती हैं? जरूर,
अगरचे साकिन डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक मालूमात को तब्दील करने का ख्वाहा है तो वो अपडेट एनरोलमेंट प्रोसीजर के जरिए कर सकते हैं। ये प्रोसीजर नए एनरोलमेंट की तरह ही है। मैं इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती हूँ। ये प्रोसीजर कैप्चरिंग रेजिडेंट डेमोग्राफिक डेटा से शुरू होता है। ऐसा करने के लिए आपको मेन्यू बटन पर क्लिक करना होगा और फिर लाइफ साइकिल चेंजेस पर क्लिक करना होगा और फिर आपको अपडेट रेजिडेंट इन्फॉर्मेशन का इंतखाब करना होगा। यहाँ पहला स्टेप है कि आधार नंबर और साकिन के नाम को भरना होगा। ये याद रखना चाहिए कि अपडेट एनरोलमेंट शुरू करने के लिए आधार नंबर और साकिन का नाम जरूरी है। NPR भी एक जरूरी फील्ड है, लेकिन अगर ये दस्तियाब नहीं है तो आप नॉट गिवन चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर साकिन एक छोटा बच्चा है तो चेकबॉक्स में द रेजिडेंट इज लेस देन 5 years old का इंतखाब करें। अगर साकिन अपने बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करना चाहता है तो आप अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स के चेकबॉक्स का इंतखाब करें। अगला स्टेप नाम में तब्दीली की तस्ही है। नाम एक लाजमी फील्ड है जिसे पुर करने की जरूरत है, अगरचे इसमें तस्ही की कोई जरूरत भी ना हो। नाम में तब्दीली के लिए ऑपरेटर को न्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स के पास दिखाई देने वाले एडिट आइकन पर क्लिक करना होगा। ये एक नए नाम का बॉक्स बना देगा। नाम में की जाने वाली किसी भी तरह की तस्ही के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ यानी तस्दीक के लिए POI है। अगला कदम जाती मालूमात में तस्ही करने के लिए होगा। इस सेक्शन में जेंडर की तस्ही या DOB की तस्ही शामिल हैं। एडिट आइकन पर क्लिक करके इसे ठीक किया जा सकता है, जो उससे मुतालिक फील्ड्स को इनेबल कराता है। अगले स्टेप में राब्ता मालूमात में तस्ही शामिल है। मौजूदा कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉन्टैक्ट सेक्शन के हेडर बार की दाईं जानिब एडिट आइकन पर क्लिक करके ठीक किया जा सकता है। ऑपरेटर के जरिए एडिट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन के तहत सभी फील्ड्स काम करना शुरू कर देंगी सिवाय मोबाइल और ईमेल के। ऑपरेटर को इस बात पर खुद तवज्जो देनी होगी कि तमाम तरखाने अच्छी तरह पूर कर लिए गए हैं। एड्रेस फील्ड में किसी भी तरह की तब्दीली के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट का होना लाजमी है, जैसे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी तस्दीक के लिए POA। साकिन के मोबाइल नंबर या ईमेल में तस्ही करने के लिए ऑपरेटर को उससे मुतालिक एडिट आइकन पर क्लिक करना होगा, जो कि मौजूदा खानों में दस्तियाब है। इस पेज में आखिरी खाना है रजामंदी की मालूमात से मुतालिक इश्तराक, जिसे साकिन की दरख्वास्त के मुताबिक शेयर किया जा सकता है। एनरोलमेंट डेटा की अपडेशन में अगला स्टेप है रेफरेंस देना। रेफरेंस बटन पर क्लिक करने के बाद सफहात बतदरीज खुलने लगेंगे। इस स्टेप में तस्दीक के लिए तस्ही शुदा की तफसीलात के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स के लिए साकिन को वैलिड डॉक्यूमेंट्स बतौर शनाख्त POI और सुकूनत का सबूत POA फराहम कराना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ड्रॉप डाउन बटन इन हर एक सेक्शन में की गई तब्दीलियों के मुताबिक काम करेंगे। ऑपरेटर को चाहिए कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए गए वही डॉक्यूमेंट्स के नाम को मुंतखब करे जो वेरिफिकेशन की गरज से साकिन ने जमा कराए हैं। अगले पेज पर रिलेटिव डिटेल्स भरें। ये डिटेल्स लाजमी है, अगरचे इंदिराज शुदा एक छोटा बच्चा यानी 5 साल से कम उम्र का है और दीगर साकिनों के लिए मुतबादिल है।
कम उम्र साकिन के लिए ऑपरेटर को ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन से रिश्तेदारी को मुंतखब करना होगा और फिर नाम और एनरोलमेंट आईडी या आधार नंबर एंटर करना होगा। 5 साल या इससे जायद उम्र के बच्चे के लिए अगरचे इख्तियार वेरीफाई यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का इंतखाब किया गया है, तो इस जुमरे में रिलेटिव डिटेल्स को गैर लाजमी या मुतबादिल समझा जाएगा। 5 साल या उससे जायद उम्र के बच्चे के लिए अगर इख्तियार इंट्रोड्यूसर शेल वेरीफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी या एड्रेस का इंतखाब किया गया है, तो इस जुमरे में रिलेटिव डिटेल्स गैर लाजमी या मुतबादल समझा जाएगा। 5 बरस या उससे जायद उम्र के साकिन के लिए अगरचे इख्तियार हेड ऑफ फैमिली शेल वेरीफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी या एड्रेस का इंतखाब किया गया है, तो इस जुमरे में रिलेटिव डिटेल्स का मुतबादल लाजमी होगा। एनरोलमेंट डेटा में अपडेशन का आखिरी कदम रसीद की प्रिंटिंग है। एनरोलमेंट फॉर्म में तब्दील शुदा डेटा महफूज किए जाने के बाद ये दी गई डिटेल्स के साथ एक कामयाब विंडो डिस्प्ले करेगा। सक्सेस मैसेज, इससे पता चलता है कि एनरोलमेंट डेटा में अपडेशन कामयाबी के साथ पूरा हो गया है। एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट पूरा होने के बाद जो आईडी जेनरेट होती है उसे एनरोलमेंट आईडी कहते हैं, वही रसीद पर भी छपी होती है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के प्रिंट को लोकल लैंग्वेज में हासिल करने के लिए भी एक चेक बॉक्स है। रसीद में लोकल लैंग्वेज में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए इस बॉक्स का इंतखाब करना होगा। इस विंडो के नीचे 3 बटन डिस्प्ले होते हैं। इनका इस्तेमाल एनरोलमेंट रसीद की छपाई के लिए, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए और अगले एनरोलमेंट के लिए किया जाता है। सर्विस डिलीवरी के दौरान आधार किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आधार सीडिंग एक ऐसा अमल है जिसके जरिए रिहाइश पजीर लोगों का यूआईडी सही तरीके से खिदमात फराहम करने वाले की सर्विस डिलीवरी में आधार के जरिए तौसीक को जारी करने के लिए जोड़ा जाता है। मैं अपने आधार को अपने SBI बैंक अकाउंट से कैसे जोड़ सकता हूँ? इसके लिए आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल यानी www.onlinesbi.com पर जाना होगा। उसके बाद माय अकाउंट्स में दिए गए लिंक योर आधार नंबर पर क्लिक करें। उसके बाद अकाउंट नंबर का इंतखाब करें, आधार नंबर दर्ज करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। फिर मैपिंग की सूरत हाल से सारिफ को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मुब्तला कर दिया जाएगा। आप अपने ATM चैनल के जरिए किसी भी ATM का इस्तेमाल करके अपने बैंक खाते के साथ अपने आधार को जोड़ सकते हैं। इसके लिए पहले अपना ATM कार्ड स्वाइप करें और अपना पिन दर्ज करें। फिर सर्विस रजिस्ट्रेशन मेन्यू का इंतखाब करें। उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन का इंतखाब करें। उसके बाद खाते की नौयत का इंतखाब करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। क्या हम अपना आधार मोबाइल फोन से भी लिंक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 5676776 पर इस तरह SMS करें, UID स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपका आधार आपके अकाउंट से पहले से ही जुड़ा हुआ है तो आपको SMS भेज दिया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है तो आपकी गुजारिश की कॉन्फर्मेशन SMS के जरिए कर दी जाएगी। फिर आपके आधार कार्ड की जांच UIDAI के साथ बैंक के जरिए की जाएगी। अगर ये जांच कामयाब नहीं रही तो सारिफ को एक SMS भेजा जाएगा कि वो SBI ब्रांच से अपने आधार नंबर या ई आधार के साथ राब्ता करे। हम आधार को बैंक ब्रांच के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? किसी भी SBI ब्रांच में आधार नंबर या ई आधार की कॉपी लेकर जाएं।
ब्रांच में आपको अपने आधार की जीरोक्स कॉपी के साथ गुजारिश देनी होगी। जरूरी जांच के बाद बैंक के जरिए लिंक कर दिया जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसकी जानकारी SMS के जरिए दे दी जाएगी।